सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को कृति का नमस्कार। कहानियों का कारवा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सर्गेई मिखालकोव की दो छोटी कहानियाँ, गधा और उदबिलाव एवं अपशकुन। आइए सुनते हैं पहली कहानी, गधा और उदबिलाव। एक बार की बात है, जंगल के बीचों बीच गलियारे में एक बहुत प्यारा नन्हा पेड़ था। एक दिन एक गधा दौड़ता हुआ उस जंगली रास्ते पर आया, लेकिन जब वह दूसरी ओर देख रहा था उसी समय पेड़ से टकरा गया और उसे इतनी तेज चोट लगी कि दिन में तारे नजर आने लगे। गधे को बहुत गुस्सा आया, वह नदी की ओर गया और बाहर से उदबिलाव को, जिसे वो बहुत पहले से जानता था, पुकारने लगा। मैं पूछता हूँ उदबिलाव, क्या तुम जंगल की उस जगह को जानते हो जिसके बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ है? हाँ हाँ मैं जानता हूँ। तो तुम मेरा एक काम कर दो, जाओ और उस पेड़ को गिरा दो, तुम्हारे पास तो बहुत नुकीले दांत हैं। लेकिन तुम इस धरती पर किस लिए हो? मेरा सिर उससे टकरा गया, देखो ये घूमड़ कितना बड़ा सा है। तुम्हारी नजरें कहाँ थी? कहाँ कहाँ थी मतलब, मैं दूसरी ओर देख रहा था। मेहरबानी करके जाओ और उस पेड़ को काट डालो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, जंगली रास्ते में वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो मेरे रास्ते में आया, मेरे लिए उसे काट डालो उदबिलाव। नहीं मैं नहीं काटूंगा। ये क्या बात हुई, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन है? नहीं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो तुम किसी झाड़ी से टकरा जाओगे। तो तुम झाड़ी उखाड़ देना। अगर मैंने ऐसा भी कर दिया तो तुम किसी गड्ढे में गिर जाओगे और अपनी टांगे तोड़वा लोगे। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम एक गधे हो, उदबिलाव ने कहा। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी, अपशकुन। एक बार की बात है, एक काली बिल्ली थी, बिल्कुल काली जितनी वो हो सकती थी। बिल्ली बहुत अच्छी शिकारी थी। एक दिन उसने एक चूहा पकड़ा और एक दिन मछली। एक सुबह जब वह शिकार मारकर वापस लौट रही थी, रास्ते में उसकी मुलाकात एक बिल्ली से हुई। बिल्ली बिल्ली, मुझे भी अपने साथ शिकार पर ले चलो। ठीक है, बिल्ली सहमत हो गई। एक से भले दो, बिल्ली ने कहा। अच्छा मुझे आगे आगे दौड़ने देना, जिससे तुम मेरा रास्ता नहीं काट पाओगी और मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आखिरकार तुम एक बिल्ली हो कि नहीं, और वो भी एकदम काली। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगी, बिल्ली ने कहा। क्यों? एक चालाक से हारना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि एक मूर्ख के साथ मिलकर कुछ पा लिया जाए। तुम चरम मूर्ख हो, ये बात स्पष्ट है, बिल्ली ने कहा और वहां से चली गई। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।